तो फ्रेंड पूजा तो नहीं पड़ गई, लेकिन रात में फ्री तो क्या ही करें, तो सबने सोचा क्यों ना अंताक्षरी खेल लें। तो बेसिकली इस अंताक्षरी में बहुत ज्यादा हमें मजा आया, और आप देखिएगा आपको भी बहुत ही ज्यादा मजा आएगा। टीम बना लो, ऐसे ऐसे शब्दों से फिर गाने याद नहीं। अरे आते मैं भाई, तभी तो गेम चलेगा भाई, तभी तो गेम चलेगा। अपने बना दियो, मेरी टीम में आ, मेरी टीम में दीदी आ रही है, सबको पता है गाने कौन-कौन से बनते हैं, बने हैं और कौन से नहीं है। ये आज ही गा दूंगा तो फिर मेरे टीम बना लेते हैं। हां टीम बना भी आज किसी की समझ में नहीं आई कौन कैसे इधर वाले से बैठे हैं। मैं अकेली तुम साथ, ये हम हैं, मैं अकेली तुम साथ। हां चलो ठीक है, टीम बना, मैं अकेली तुम साथ, एक दो तीन चार, मैं और जीजू तुम साथ। हम अकेले नहीं आते, फ्रेंड्स यहाँ पर हमें अंताक्षरी खेलते हुए काफी टाइम हो गया था, तो क्या हुआ, फिर भैया ने जो हमारे मनोज दाया उन्होंने हमें बाहर बुलाया, उन्होंने बोला कि मैं ढोलक लेके आता हूँ और तुम लोग यहाँ पर गाना गाओ सबके साथ। तो फिर क्या हुआ ना, हम लोग सब लोग इकट्ठा हो गए, तो पूरा परिवार हमारा इकट्ठा हो गया, और उसके बाद हम लोगों ने इतना एंजॉय किया, इतना एंजॉय किया। छोटे छोटे के पल में बिगड़ जाओगे, कट जाओगे। अरे गाना मम्मी गाएगी, चलो सुनो। धड़कन धड़कन तेरी धड़कन। आओ मेरे साथ गाओ, नहीं चलेगा। दीदी आईडी बंद कर, चलिए आईडी बंद कर, क्यों बंद होगी, क्यों इसको, क्यों किसका कल दिख रही है, भैया रोज आएंगे। मधु पानी भर।
चुरा के लेते हैं, इसमें से मसूर निकलती है, मैं आप लोगों को निकाल के दिखाती हूँ, लाइव दिखाती हूँ कैसे मसूर निकलती है। ये देखिए, ये जो काली मसूर की दाल होती है ना, वो इसमें से निकलती है। तो हमारे गांव में इसकी खेती होती है, गांव में दिखा रहा हूँ हमारे गांव। और यहाँ इस टाइप के पुराने घर होते हैं, ट्रेडिशनल घर। तो मैं आपको दिखाती हूँ अपना पूरा घर कैसा है। तो ये है हमारा प्यारा सा घर जो कि गांव में है, और यहाँ इसी टाइप के ट्रेडिशनल घर होते हैं पहाड़ों में, तो बहुत ही प्यारे लगते हैं ये घर। लेकिन वो वक्त आ गया था यहाँ से जाने का, 4 दिन ऑलमोस्ट हमें हो गए थे आए हुए, तो पता ही नहीं चला किस तरीके से यहाँ पे 3 दिन हमारे निकले। संडे को हम लोग पहुँच गए थे रात को, स्वीटो और मैं। उसके बाद अगले दिन आपने देखा ही होगा हम लोग पाताल भुवनेश्वर भोलेनाथ जी के दर्शन के लिए गए थे। फिर नेक्स्ट डे हमारी पूजा थी, जो कि स्पेशली स्वीटो और मेरी ही थी, शादी की बोली हुई पूजा। तो काफ़ी अच्छे से पूजा निकली, सब लोग मिले, सारे रिलेटिव्स आए हुए थे। और एक इस तरीके का वहाँ पे कल्चर होता है कि इतनी ज़्यादा सत्कार किया जाता है कोई भी अगर आता है। हम लोग तो खैर कभी कभी जा पाते हैं, तो बहुत ही ज़्यादा प्यार देखने को मिलता है, बहुत ही ज़्यादा सत्कार देखने को मिलता है, जो कि मतलब लगता है कि हम कहाँ आ गए, क्योंकि इस तरीके से देखा नहीं जाता अगर हम सिटी में देखें। और माहौल इतना ज़्यादा अच्छा होता है, इतना शांत, क्योंकि पहाड़ों में है तो आप देखेंगे शांत वातावरण है, स्वच्छ वातावरण है, पानी में जो मिठास है, बाकी चीज़ें तो छोड़ दीजिए, पानी में ही कुछ इस तरीके की मिठास है कि हम क्या ही बोलें। और वहाँ का जो ट्रेडिशनल खाना होता है ना, वाह बहुत ही अच्छा होता है, आप एक बार खाएंगे ना आपका बार बार मन करेगा खाने का। सादा खाना भी अगर आप वहाँ पे खा रहे हो तो वो इतना ज़्यादा टेस्टी लगता है, क्योंकि मेन चीज़ है वहाँ का पानी, जो कि जड़ों से होते हुए निकलते हुए आता है पेड़ों की, तो काफ़ी ज़्यादा पौष्टिक भी रहता है वो पानी। फिलहाल बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा यहाँ से, मन ना चाहते हुए भी, बट जाना तो था ही फाइनली, तो चौथे दिन हम लोग यहाँ से निकल रहे थे। और मैं तो फर्स्ट टाइम यहाँ पर अपनी चाची से, ताई से और हमारे भैया हैं मनोज भैया, सबसे मिली थी, तो सभी लोग बहुत अच्छे थे। मेरी सिस्टर थी पूर्वा, सबसे मिल के बहुत ही अच्छा लगा और सबने हमें बहुत ज़्यादा प्यार दिया। फिलहाल जितने भी लोग थे, चाहे हमारी ताई जी हो, मौसी जी हो, या मनोज दा हो, या छोटी बच्ची पूर्वा हो, इन सबको बहुत ही ज़्यादा धन्यवाद हमें इस तरीके से ट्रीट करने के लिए। और बाकी अब हम लोग जा रहे हैं नानी के घर, ये दादी का घर था, अब नानी के घर की ओर जा रहे हैं, तो अगला पड़ाव वहीं है, तो हम दिखाएंगे किस तरीके से नानी का घर है। मामी लोग वहाँ पे सब लोग हैं, मामी मामा, तो सबसे आपको मिलवाएंगे। और बाकी अंत तक वीडियो में बने रहने के लिए आपको भी दिल से धन्यवाद। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, और चाहे तो कमेंट भी कर सकते हैं, बाकी सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो तब तक के लिए थैंक यू, बाय।